बड़ौली क्षेत्र के पारा पहाड़ पर गौशाला में रविवार को दर्जन भर से अधिक गोवंश की मौत की खबर मिलने के बाद रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव ने गौशाला का किया निरीक्षण। वही निरीक्षण के दौरान रुदौली के उप जिलाधिकारी सिंह डीसी मनरेगा नागिन मोहन त्रिपाठी भी रहे। निरीक्षण के दौरान विधायक ने गौशाला के सेवादारों से और बीमारों मवेशियों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने मवेशियों के भूसा चारा व पानी की व्यवस्था का निरीक्षण का जायजा लिया और मवेशियों का इलाज कर रहे रुदौली के पशु चिकित्सा अधिकारी को बीमार मवेशियों का निरंतर दवाई देने व उनका बेहतर उपचार करने का निर्देश दिया। गौशाला में क्षमता से अधिक मवेशी होने की जानकारी पर विधायक ने पारा पहाड़पुर की गौशाला से 150 गांव आसुओं को सांडवा गौशाला में भेजने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। सर, पारा पहाड़पुर गौशाला को लेकर सोशल मीडिया पर खबर चली थी और वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें दर्जनों से ज्यादा जो है जानवर मरे दिखाए गए हैं। उसमें सोशल मीडिया और तमाम जो खबरें प्रचारित हुई हैं उनको भी संज्ञान में लिया है और यहाँ के जो हमारे उप जिलाधिकारी हैं और BDO DC मनरेगा के नाते जो काम देख रहे हैं, अभी हमने बात किया है और बात करके अभी निरीक्षण किया है। अतिवृष्टि के नाते यहाँ पर चूँकि जानवरों की संख्या इस तहसील में सबसे ज़्यादा इस गौशाला में है, अतिवृष्टि के नाते पूरे परिसर में पूरा कीचड़ भरा हुआ है। जब जानवरों की संख्या ज़्यादा है, अतिवृष्टि लगातार हो रही है, अब ऐसी स्थिति में कैसे इन जानवरों को बीमारी से बचाया जाए, कैसे इनको सुरक्षित रखा जाए, इस दिशा में भी हमने अपने जो यहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारियों से बात किया है। वो लगातार इन जानवरों को देखेंगे और जो बीमार हैं या जो बीमार की श्रेणी में हैं उनको अलग से बैरिकेड करके एक अस्थाई अस्पताल बना करके रेगुलर उनकी दवा का इंतजाम किया जाएगा। बाकी जो जानवर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के नाते हर एक जानवर पर, हर किसान को अगर एक जानवर पालता है तो उसको 900 रुपये चार जानवर तक वो पाल सकता है, तो आज यहाँ से 32 जानवर पारा पहाड़ के किसानों में बांटे गए हैं। हम अपील करेंगे अपने इलाके के किसानों से, ऐसे जानवर, ऐसे दुधारू पशु जिनको पाल सकते हैं वो मुख्यमंत्री वाली जो हमारी घोषणा है कि हर एक जानवर पर 900 रुपये उनको देंगे, चार जानवर तक वो ले सकते हैं, वो ले जाएं और इनको सबको पालें। बाकी की व्यवस्था के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अभी DC मनरेगा स्वयं यहाँ की व्यवस्था को ठीक करके ही जाने वाले हैं। हम लोग जा रहे हैं सुनबा बिहारा, जहाँ पर एक गौशाला के निर्माण का काम चल रहा है। हमने 5.5 लाख रुपया भी वहाँ पर दिया है और उसको भी जल्दी जल्दी चालू करा करके इस समस्या का समाधान करेंगे। सर, लगता नहीं है कि यहाँ पे अधिक जो है जानवर हैं? नहीं, जानवरों की संख्या की अधिकता के नाते ही तो यह अव्यवस्था फैली, जिसके नाते हम लोग इनको ट्रांसफर कर रहे हैं, इनको मुख्यमंत्री।